स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली कौशिक, योर साइंस टीचर. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. इन दिस चैप्टर टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, मोशन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन दिस चैप्टर देर आर टू चिल्ड्रन, पहेली एंड बूझो, एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट the places they had visited during the summer vacations. So someone had gone to their native villages by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. So the teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecrafts all the way to Mars. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया है कि दो बच्चे हैं, पहेली एंड बूझो, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने समर वेकेशंस कैसे स्पेंड की, कैसे ये अपने गांव गए और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए. तो बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इन ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं. अब जिसे हम लेंथ कहेंगे, क्लियर, तो लेंथ मतलब हम इसको मेजर कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे. क्या कहेंगे, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ही होता है जो, जैसे सपोज करो कि आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, तो वो क्या है, डिस्टेंस है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी दूर है आपके घर से आपका स्कूल, उसके लिए आपको, आप वॉक करके जा सकते हो या आपको बाइसिकल की ज़रूरत पड़ेगी या आप बाय बस जाओगे. क्लियर, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, डिस्टेंस से पता चलता है कि कितनी दूर आपकी, आपका स्कूल है. या फिर आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, फ्रेंड के घर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप जिस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे वो आप कब डिसाइड करते हैं, डिस्टेंस को देखने के बाद कि कितनी दूर वो जगह है. नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं. पहले टाइम में क्या था कि पहले टाइम में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स नहीं थे जो हम अभी देखते हैं. क्लियर, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो लोग थे वो मूव करते थे ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. उसके बाद में एनिमल्स को यूज़ किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. उसके बाद धीरे धीरे वाटर रूट्स यूज़ हुए, बोट्स यूज़ होने लगी एंशिएंट टाइम में. और बोट्स जो होती थी उस टाइम पे बहुत सिंपल होती थी, लॉग्स होते थे वुड के, जिनमें हॉलो कैविटी होती थी और उस तरह की बोट्स बनाई जाती थी. उसके बाद जो बोट्स थे उनमें चेंजेस हुए, उन्हें शेप दी गई, जैसे फिश की शेप होती है स्ट्रीमलाइन शेप, वैसी शेप दी गई बोट्स को. और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, और इन्वेंशन होने लगे, व्हील का इन्वेंशन हुआ. क्लियर, सो द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. थाउजेंड्स ईयर्स लगे जो व्हील था उसके डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट के लिए. तो फिर उसके बाद में एनिमल्स को यूज़ करने लगे, कि वो उनके साथ में कार्ट्स यूज़ किए, जिससे कि जो व्हील्स हैं वो उनके साथ में मूव हो सके और लोग ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे. तो अंटिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उस टाइम पे लोग सिर्फ एनिमल्स पे, बोट्स पे, शिप पे, इन पे ही डिपेंड होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, फिर डेवलपमेंट हुए नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वेगन्स. लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. उसके बाद इन सब का इन्वेंशन हुआ, मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स ये सब बने टू ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. देन द ईयर, एवरी ईयर्स ऑफ 1900, अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स. 1900 के अर्ली ईयर्स में हमने क्या देखा, एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट देखा. तो ऐसे ऐसे चेंजेस आने लगे ट्रांसपोर्ट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में. और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट, ये सब
कंट्रीब्यूशंस हैं 20th सेंचुरी की, ये सब हमें 20th सेंचुरी में मिले। सो फिगर 10.1 आपको शो करती है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको इनको अरेंज करना है इनके अर्लियर मोड्स से, कि सबसे पहले कौन से यूज़ होते थे, उसके बाद कौन कौन से होते हैं, ऐसे आपको इन्हें नंबर देने हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाइड इज दिस डेस्क। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो डेस्क दी है तो डेस्क को क्या करना है, मेजर करना है उसकी लेंथ को। तो अगर सपोज कीजिए कि एक रूम है और उसकी वॉल्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वॉल्स की कितनी लेंथ है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मेजर करेंगे उसको। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो रूम की वॉल है वो कितनी लेंथ की है। उसी तरह अगर हम सपोज करें कि आपको कोई ड्रेस बनानी है, तो ड्रेस के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्लोथ चाहिए तो आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको क्लोथ चाहिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि कितना क्लोथ चाहिए आपको, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे कि आपको मीटर में कितना मीटर चाहिए। तो ये सब क्या होती है, ये लेंथ है क्लोथ की, जितना आपको स्टिच करना है अपनी एज और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको लेंगे। क्लियर? तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग क्लोथ का पीस आएगा, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो उसके लिए बड़े के लिए आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, मेजरमेंट करने के बाद में। अगर हमें मेजरमेंट की नॉलेज नहीं है तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भी अगर ये टेबल दी है तो इसकी हम लेंथ कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर? तो ऐसे हम इसकी लेंथ को पता कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।